लेकिन कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है कि सत्ता के बाहर उसका चरित्र भी बदलता है और चेहरा भी बदलता है। अमरिंदर जी, आपने जो सरकार बनाते हुए वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। देश की आजादी के इतने सालों के बाद किसान को बांध के नहीं रखा जा सकता। जहां तक अकाली दल का सवाल है, 3 महीने लगातार वो इन कानूनों को लेकर पूरी तरह से ये बात बोल रहा था कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन अचानक यू टर्न लिया है। उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी। जब जो नौजवान जो पूछता है कि घर घर में नौकरी देने का वादा किया था, कहां गई हमारी नौकरी, उसको अपना घर संभालना चाहिए, ये उनकी चिंता का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में स्वागत है। देश भर में कृषि बिलों को लेकर विरोध जारी है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी अछूते नहीं है, खासकर तब जब अगले साल पंजाब राज्य में इलेक्शन है 2022 के शुरू शुरू में ही, और राजनीतिक मोड़ ले चुका है इस वक्त किसान आंदोलन पंजाब में। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर इसका विरोध भी कर रही हैं, जो विपक्षी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में किसान विरोधी बातों को खारिज करते हुए सिरे से यह कहती नजर आ रही है कि नहीं, ये किसान हितेशी है और किसान की आमदनी को जो डबल करने का प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा है, यह उसकी नींव का एक पार्ट है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये एक अपने आप में मुखर होती है कि कहां विपक्षी पार्टियां, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस, जो कि खुद सड़कों पर अभी आंदोलनरत है। हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली से आते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में, कांग्रेस अध्यक्ष जाखड़ साहब के साथ में वो किसान रैली करते नजर आते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सत श्री अकाल। मुद्दा सबके सामने है कि किसान विरोधी जिस तरह से इस बिल को लेकर पेश किया जा रहा है, किसानों के बीच में लेकर जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसान मारू बिल है ये, किसानों के बर्बादी का बिल है ये, और भारतीय जनता पार्टी उसके उलट कह रही है कि सब सही है, तो ये विरोधाभास क्यों है? ऐसा है कि कांग्रेस का हमेशा ही दोहरा चेहरा रहा है। किसान विरोधी इस बिल को बोल रही जो कांग्रेस है, या राहुल गांधी, या तो बोले कि मनमोहन सिंह जी ने इन बिलों को लेकर जब वो विपक्ष में थे और चुनाव में जा रहे थे 19 में, और जब सत्ता पक्ष में थे तो 2014 में जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उसमें जो लिखा है और जो मोदी जी ने इन बिलों में किया है उसमें अंतर क्या है। लेकिन कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है कि सत्ता के बाहर उसका चरित्र भी बदलता है और चेहरा भी बदलता है। शर्मा जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा, माफी चाहूँगा कि सीधी सीधी बात यह आ रही है कि जो किसान है उसकी मेहनत को कॉरपोरेट हाथों में दिया जा रहा है। सबसे बड़ा जो विरोध का स्वर है वो दो मुद्दों पे खासकर आंदोलन किया जा रहा है कि एक कि आड़तियों को हटाकर, कही जा रही है कि आड़तियों को हटाकर किसान को सहूलियत दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उनको कॉरपोरेट हाथों के बीच में डाल दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, MSP के ऊपर कहा जा रहा है कि इसको सरकार ने कह दिया है कि MSP कम नहीं होगी, लेकिन इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक लाइन लिखना वो भूल गए हैं और नहीं इसे इंश्योर किया है कि भविष्य में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पहले एक बात समझनी चाहिए, ये जो कृषि बिल कानून के रूप में बदले हैं तीनों, इनको समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोलते हुए कहा कि MSP है, MSP रहेगी, सरकारी खरीद यथावत होती रहेगी। अगर MSP भी है, सरकारी खरीद भी है, तो मंडियां समाप्त होने का विषय कहां से आ गया? मंडियां भी समाप्त नहीं हो रही, सरकारी खरीद भी समाप्त नहीं हो रही, MSP भी समाप्त नहीं हो रही। पंजाब के अंदर विशेष करके कांग्रेस अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसानों के अंदर एक भ्रम पैदा किया कांग्रेस ने, और ताकि पंजाबी ये मत नहीं पूछे कि अमरिंदर जी, आपने जो सरकार बनाते हुए वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आज से 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले जब ये कृषि बिलों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही थी,
तो पंजाब के अंदर कोरोना की महामारी के कारण जो भ्रष्टाचार का अवसर कांग्रेस को मिला, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, 126 लोगों का जहरीली शराब से मर जाना और दलित बच्चों के स्कॉलरशिप का घपला जो हुआ, इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ये एक भ्रम फैलाया गया। ये और दूसरा ये है, इन बिलों के माध्यम से एक नई व्यवस्था और दी गई है, विकल्प दिया गया है। जिसका दिल करता है एमएसपी पे अपनी चीज को बेचने का, फसल को बेचने का, वो मंडी में जाए, सरकारी खरीद होगी। पंजाब में तो अभी सीजन चल रहा है, सरकारी खरीद हो रही है, एक अक्टूबर से शुरू होती है, इस बार 26 से शुरू कर दी सरकार ने। लेकिन देश की आजादी के इतने सालों के बाद किसान को बांध के नहीं रखा जा सकता, खेत किसान का है, फसल किसान की है, क्या उसको इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए? एक मिनट, मेरी बात को कंप्लीट करो। क्या उसको इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि अगर एमएसपी से अधिक भाव उसको बाहर मिलता है तो उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शर्मा जी, अकाली दल को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? जितना आपने पुरजोर तरीके से बात कही, अकाली दल तो हमारा आपका खुद का घटक दल था। ऐसा कि उनकी कोई राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी। जहां तक अकाली दल का सवाल है, 3 महीने लगातार वो इन कानूनों को लेकर पूरी तरह से ये बात बोल रहा था कि ये कानून किसानों के हित में है। ये बीबी हरसिमरत कौर भी बोल रही थी और अध्यक्ष भी उनके बोल रहे थे और बड़े बादल साहब भी बोल रहे थे, लेकिन अचानक यू टर्न लिया है। उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन अपना ये मानना है कि ये कानून किसान के जीवन स्तर को बदलने वाला है। आपने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया कि जहाँ पे आपने कहा कि वाहेगुरु जी चाहते थे कि पंजाब में अमन शांति हो और नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हो, और ऐसे में अच्छा है कि अगर रिश्ता टूटा है और आने वाले समय में बीजेपी 117 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, तो क्या ये दशकों पुराना जो दल आपके साथ था उस वक्त आपको ये खामियां नहीं दिखाई दी? ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैंने ये कहा है कि गठबंधन बहुत पुराना है और इस गठबंधन से उन्होंने अपने आप को अलग किया, हमने अलग नहीं किया, निर्णय उन्होंने लिया है और हम एक राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वो ही तो कहते हैं कि हमने किसानों के पक्ष में, किसानों के जो विरोधी बिल है उसको हमने ध्यान में रखते हुए अकाली दल ने साथ छोड़ा भाजपा का। ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हमको ना रिटर्न में मंगवा दीजिए, एमएसपी भी रहेगी और सरकारी खरीद भी रहेगी। कृषि मंत्री जी ने उनको पत्र भेज दिया और सुखबीर जी ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि ये दोनों चीजें हो रही हैं। उसके बाद सामान्य व्यक्ति को भी समझ आती है कि ये बिल किसान के हित में है, ये उनको भी पता सबको, लेकिन अलग होने का किसानों की आड़ लेकर ऐसा किया गया। बाकी यहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस कब से किसानों की हितेशी हो गई? पंजाब के मुख्यमंत्री जी को नैतिक अधिकार ही नहीं है इस बात को बोलने का। जब उन्होंने सत्ता की प्राप्ति करनी थी, उन्होंने पंजाब के किसानों से वादा किया था कि मैं पूर्ण ऋण माफ करूंगा। वो पहले 90,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ करें और फिर किसानों की बात करें। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार छुपाने का के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया है। भोले वाले किसान हैं हमारे, मेहनती हैं, उनको आगे कर अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास कांग्रेस की सरकार कर रही है। पंजाब का नौजवान पूछ रहा है, आपने पवित्र गुड़का साहब को पकड़कर कहा था कि मैं नशा मुक्त पंजाब करूंगा। सरकार अपने घर, जब जो नौजवान ये पूछता है कि घर घर में नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गई हमारी नौकरी,
कहां गया स्मार्टफोन, नौकरी नहीं दी तो 2500 रुपया हर महीने देना था, बेरोजगारी भत्ता कहां दिया। अरे ये तो वो लोग हैं जो गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की महामारी के अंदर गरीबों के घर में चूल्हा जलता रही उसका जो अनाज भेजा उसके वितरण में भी इन्होंने घोटाला किया। शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अगर उलट हटके देखें तो अब गठबंधन टूट गया है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। 2022 में इलेक्शन खड़े हुए हैं जिसमें कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक भूमि पर दोनों पार्टियाँ अपनी अपनी किस्मत अलग अलग तरह से आजमाएंगी, और इसी दौरान इसी घटनाक्रम के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी अब गलियारों में चल पड़ा है। हाल ही में अलग अलग मंत्रियों की तरफ से भी बयान आए हैं, नेताओं की तरफ से बयान आए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे, इलेक्शन में चेहरा होंगे। ऐसा कि किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तिथि में सिद्धू कांग्रेस के नेता हैं। अगर ऐसी चर्चा कोई चलती है तो इसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए, मुझे नहीं। तो मतलब बीजेपी मतलब राजी है इस बात को लेकर, ओपन है कि हाँ नवजोत सिद्धू आ सकते हैं, वेलकम है उनका पार्टी में। आज वो कांग्रेस के नेता हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी नकार रही है इस बात को। कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, ये उनकी चिंता का विषय है। क्योंकि ये बात इसलिए मुखर है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिख चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, हमेशा से पंजाब में कहीं ना कहीं चाहत थी कि एक बड़ा सिख चेहरा जुड़े राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में। ऐसा है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा हर जगह पर है, और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सब लोगों की पार्टी है, पंजाबियों की पार्टी है, जिसमें सिख भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। सब लोग बीजेपी में अपने आप को देखते हैं, और चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, लोगों का बीजेपी के प्रति एक विश्वास भी है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देश के प्रधानमंत्री जी, और पंजाब के लिए उनका विशेष स्नेह उनके द्वारा पंजाब के लिए किए गए कार्यों से प्रकट होता है। श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर का को खोलना, गुरुधाम के खुले दर्शन करने का मौका देना, सुल्तानपुर लोधी के विकास के लिए पैसा देना, श्री गुरु गोविंद साहब के प्रकाश उत्सव पर 350वें प्रकाश उत्सव पर डाक टिकट को जारी करना। शर्मा जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अच्छा सहमत हूँ कि एक बात, 84 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ उनको दोषियों को सजा दिलवाना, ये उनका पंजाब और पंजाबियों के प्रति स्नेह को प्रकट कर। ये आपने केंद्र की सारी रीति नीतियां गिना दी जो पंजाब में केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक के आयोजन किए गए या जो भी योजनाएं यहाँ पे भेजी गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार से पहले भी आपका भी एक अच्छा रजीम रहा है? अकाली दल के साथ में गठबंधन में आपने सरकारें बनाई हैं, काफ़ी राज किया है, पर बावजूद नशा थी प्रॉब्लम, आपने ठीक है कैप्टन साहब के लिए कह दिया कि गुटखा साहब की सौ उठाई, और बावजूद वो अपने बात को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में भी ये प्रॉब्लम्स थी? नशा तो तब भी था, भ्रष्टाचार तब भी था, कानून की धज्जियां तब भी उड़ती थी। ऐसा है, आज सत्ता में कांग्रेस की सरकार है और ये इन मुद्दों को लेकर आए थे, नशा मुक्त पंजाब देंगे, माइनिंग पॉलिसी लेके आएंगे, घर घर नौकरी देंगे, ये सारे मुद्दे इन्होंने उठाए थे उस समय। तो इसलिए 3.5 साल में के बाद आज जवाबदेही इनकी है, आज हम विपक्ष में हैं। शर्मा जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में ग्राफ गिरता रहा, उपचुनाव अगर हटा दें तो आज भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पर आज की डेट में यहाँ पर है, उपचुनाव अगर अभी नहीं होते तो 3 सीटें थी। ऐसे में आपके लिए एक प्रेसिडेंटशिप आपके पास आई है, तो नए चैलेंजेस के रूप में कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नहीं गिरता है, भारतीय जनता पार्टी छोटे समूह के रूप में लड़ती थी, 23 सीटों पर लड़ती थी। अभी भी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए 3 सीटें हमने लड़ी और 2 जीती, 3 में से 2 जीतते हो आप, गिराफ नहीं गिरता है। लेकिन जब आप छोटे समूह में लड़ते हो, 23 सीटों पे लड़ते हो, तो इस हिसाब से वो आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर एक प्रमुख दल है,
और पंजाब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, ये पक्का है। तो ऐसे में आने वाले समय में आपने कहा कि 117 सीटों पर उम्मीदवार होंगे और चलो एडिट कर देंगे, रुक जाओ रहने दो, ये किसी को ना मना कर दो यार, किसी को हम एडिट में डाल देंगे सर 117। हाँ कि आपने पिछले दिनों हाल ही में आपने कहा कि 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो 23 सीटों से 117 सीटों पर जाना तो कहीं ना कहीं एक छोटे से टाइम में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा? चुनाव चाहे हम 23 पे लड़ते थे, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पे थी, इसलिए हमको 117 तक जाने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली नहीं है। हमें अपने संगठन पर, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर, उनके परिश्रम पर, उनकी मेहनत पर पूर्ण विश्वास है। और ये जो वर्तमान स्थितियां राजनीति की पंजाब के अंदर बनी है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और अपने संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने में कटिबद्ध है। पिछले दिनों आपके ऊपर एक एफआईआर की गई थी, कोरोना को ध्यान में ना रखते हुए आपने जो एक पुलिस कंप्लेंट हुई थी जिसमें कहा गया था कि आपने लॉ तोड़ा है और कानून, मतलब जो कोरोना संबंधित लॉ है उसको आपने ध्यान नहीं दिया, यही तो कांग्रेस की सरकार का। पर अभी जो आपने हाल ही में किसान रैलियां की या कांग्रेस की किसान रैली की, उसे कौन देखेगा? ऐसा है ना, कांग्रेस की सरकार के, अमरिंदर जी की सरकार के खेल निराले हैं। मैं 20 लोगों को मिलता हूं तो एफआईआर होती है, मेरे घर के सामने लोगों को लेकर धरना लगवाया जाता है, एफआईआर नहीं होती है। इतने बड़े बड़े कांग्रेस के मंत्री उद्घाटन करते हैं, एफआईआर नहीं होती है। वो तो कोरोना को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था और पूरी तरह फेस कवर, सैनिटाइजर, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उस बैठक में गए थे। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है तो हमने भी अपना कार्यक्रम किया, अब करें ना दोनों साइड पे। राहुल गांधी पटियाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है जीएसटी और नोटबंदी देकर, और अब किसानों को भी मारने पर तुले। ऐसा है कि जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो केवल समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बनने के लिए कुछ भी बोलते हैं और उनको खुद भी कोई समझ नहीं होती कि वो क्या बोल रहे हैं। और लेकिन ये पंजाब है, पंजाब के लोग, क्या हिंदुस्तान के लोग, क्या दुनिया के लोग जानते हैं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो देश को क्या क्या मिला, देश का मान सम्मान, किसान हो मजदूर हो, उन्होंने देश की चिंता की, देश की सुरक्षा का मामला हो तो उसमें निर्णय लेते हुए जिसमें देश का हित है उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। केंद्र सरकार ने शुरू से जो इलेक्शन लड़े हैं अभी तक, जो दो टर्म में अभी हमने देखे हैं या पहले भी वाजपेयी सरकार में भी, केवल देश की विकास को प्राथमिकता दी गई एजेंडा में। पंजाब में चूंकि अब आप प्रेजिडेंटशिप देख रहे हैं तो अब पंजाब की राजनीति में चुनाव की धुरी क्या होगी, बीजेपी पंजाब की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ऐसा है कि पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, नशा मुक्त और विकास करने वाली सरकार की समय जरूरत है, जो समूचे पंजाब के अंदर अमन, शांति, भाईचारा रखते हुए पंजाब को आगे लेकर जाए। इन 3.5 सालों में पंजाब का विकास रुका है, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार ने नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, सरकार नाम की चीज़ महसूस ही नहीं हुई। इनके कप्तान तो 3.5 साल से ही अज्ञातवास में थे, कोरोना की महामारी में जब सरकार दिखनी चाहिए थी, महसूस होनी चाहिए थी, लोगों के बीच में होनी चाहिए थी, पूरी की पूरी सरकार जो है वो अज्ञातवास में जा चुकी थी, लॉकडाउन थी। तो इसलिए जनता तैयार बैठी है पंजाब की, पंजाब बदलाव की ओर जा रहा है और इसीलिए ये पंजाब के वातावरण को खराब कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं, मिलने वाली नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये तय है कि आने वाले समय में बीजेपी अकेली अपने दम पर 117 सीटों पर आने लगी है विधानसभा चुनाव में फाइट करने के। भारतीय जनता पार्टी के इस समय किसी से गठबंधन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को अवसर के रूप में देखेगी, 117 की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इसमें तो प्रश्न भी नहीं बनता है। हम राष्ट्रीय दल है, पंजाब इकाई पूरे का पूरा चुनाव लड़ेगी, उसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए किसी को। राष्ट्रीय दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों में किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बात और है कि राजनीतिक मुद्दे आज की डेट में पंजाब प्रदेश में देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा हो जिसके लिए सभी विरोधी दल सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश कमेटी जो है वो सड़कों पर है कि नहीं है, किसान विरोधी नहीं है, किसानों का हितैषी है। उसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, खासकर तब जब अश्विनी शर्मा जो आज हमारे साथ मौजूद हैं संवाद कार्यक्रम में डिस्कशन में, उनका यह कहना है कि कैप्टन सरकार पूरी तरह से फेल रही, झूठ के पुलिंदों पर बनी हुई ये सरकार है जिसने वादा खिलाफी जो लोगों के साथ करी है, आने वाले चुनावों में पंजाब के लोग उसे माफ़ नहीं करेंगे और आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर किस तरह से अपने अच्छे उम्मीदवार उतार कर और एक साफ सुथरी और ईमानदार सरकार यहां पे बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहना था आज हमारे साथ मौजूद अश्विनी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि आज हमारे साथ संवाद में थे। देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी संवाद। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।